हंगामे के संकेत पहले से ही दे दिए हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि व्यापम और ललित गेज के मुद्दे पर सरकार को वो घेरने जा रही है। सुषमा वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे की मांग करेगी। पिछले कई दिनों में व्यापम का मामला हो, ललित मोदी का मामला हो, वसुंधरा सिंधिया का मामला हो, यह पंकज मुंडे वाली मामला हो, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार वाले करतूत की बातें सामने आ रही। राजनीति में नैतिकता और जिम्मेवारी लेना एक बहुत ही महत्वता है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों से यह साबित कर लिया है। कि वह किसी तरह का नैतिकता के प्रमाण देने से परहेज कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपनी मांग इस वर्षा वाली सत्र में कायम रखेगी। भाजपा अहंकार में डूबी रही। भाजपा को ये लगा कि नहीं, हम संख्या बल के आधार पर हम भ्रष्टाचार को सिर्फ रोकना तो दूर रहा, हम बढ़ावा देंगे। विपक्ष या देश जो चाहे कर ले, तो देश की भावना आज यही है कि भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाले नेता अपने पदों पर न रहें। इसलिए हम सुषमा जी का, वसुंधरा जी का और शिवराज सिंह के इस्तीफे पर बल देंगे, चाहे उसके लिए सत्र चले या न चले, ये जिम्मेदारी शासन की। मुझे बैठक है, हम लोग बैठक में जा रहे हैं और बड़ा साफ कह देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जब तक व्यापम घोटाले के दोषियों को सजा नहीं मिलती, उनके इस्तीफे नहीं होते, ललित गेट मामले में जब लोगों के इस्तीफे नहीं होंगे और भी केंद्र के तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, इन सब मामलों में जब तक इस्तीफे नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी सदन को नहीं चलने देगी। हम मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाएंगे और जनता के सामने सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करें। सत्ता पक्ष के मिजाज के ऊपर निर्भर करेगा कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले कि नहीं। कुछ सवाल संयुक्त विपक्ष ने उठाए हैं, जिसमें ललित गेट है, जिसमें सुषमा स्वराज और श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा एक इकोनॉमिक ऑफेंडर की मदद करना, अपने बेटे की कंपनी में मॉरिशस के जरिए काले धन का निवेश कराना, ये एक मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने खुद जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार पर कही थी, इसलिए व्यापम घोटाले में भ्रष्टाचार के साथ साथ 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी।